Assalamualaikum, welcome back to my channel. So I hope you guys all alright. जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन को भी क्लिक कर दें और जल्दी से मुझे इसका फीडबैक जरूर देंगे। ये छोटा सा पाउच जो कि किड्स के लिए बहुत ही प्यारा सा बैग बना रही हूँ, छोटा सा एज अ पाउच भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं और एज आप इसको बैग भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसकी कुछ स्टिचेस हैं जो मैंने 4 इंक्रीज करी हैं, 4 जो है सिंपल रखी हैं स्ट्रेट में और 4 जो है मैंने डिक्रीज की हैं। बाकी जो है वीडियो में आपको डिटेल के साथ पहले भी बता चुकी हूँ, आपने इस तरीके से इसकी एज जो है बनाना, पीछे से आपने जो है इसका कॉर्नर लेना है और उसमें से सिंगल क्रोशिया करना है। मैंने 20 स्टिचेस ली हैं यहाँ पे नीचे की, उसके बाद हम साइड्स टू साइड इसको कंप्लीट करके इसको इंक्रीज़ करते जाएंगे। जब मैं एज पे पहुँचूँगी तो इसका मैं लूँगी डबल जो है सिंगल क्रोशिया, वो आपको दिखाऊंगी किस तरीके से लेना है। पहले हम इसको कंप्लीट करते हैं और जैसे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कर देगा। सो यहाँ पे आपको बताती हूँ किस तरीके से आपको लेना है। हम इसके एज तक पहुँचते हैं एंड देन मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से आप इसको इनक्रीज़ करेंगे। सो पहले ही मैं आपको वीडियो में बता चुकी हूँ, मेरे चैनल पे जाएं, वीडियोस मौजूद हैं बैग की। सबसे जो फर्स्ट वीडियो है स्किन करके बैग की, उसमें मैंने आपको बताया था किस तरीके से आपने स्टिचिंग को इंक्रीज़ करना, डिक्रीज़ फुल डिटेल के साथ वीडियो बताई हुई है। वो समझना आए तो सेटिंग में जाएं और वहाँ पर जाके आप इसको जो है स्लो करके भी देख सकते हैं। यहाँ पर देखें मैंने बिल्कुल साइड्स पर जो है इसको आपको बता, मैंने दिखाना बोल के साइड्स पर जो है मैंने इसकी इंक्रीजमेंट की है। जो फर्स्ट हमने स्टिचेस की उसकी साइड्स पे हमने स्टिचेस को इंक्रीज़ किया है, डबल डाली हैं एक ही स्टिच पे। उसके बाद हम यहाँ एंड तक पहुँचते हैं। लुक एट दिस, इस तरीके से एंड पे आपने नॉट डालना है एंड देन इस वाले स्टिचेस से आपने डबल दो दफ़ा आपने स्टिचेस को करना है। फर्स्ट ये करेंगे, एक और दफ़ा करेंगे इसको हम, ताकि ये इस इंक्रीज़ हो जाए। और इसी स्टिच में से एक और निकालेंगे, उसके बाद सारी जो है ईच स्टिचेस जो हैं हम सिंगल क्रोशिया की करेंगे एंड तक। इस तरह से आपने 4 राउंड्स कंप्लीट करने हैं और 4 राउंड्स तक आपने इसको इंक्रीज़ करना है। देन आपने इसको सिंपल स्ट्रेट रखना है, उसमें आपने कोई इंक्रीजमेंट नहीं करनी, कोई डिक्रीजमेंट नहीं करनी। आपने सिंपल सारी स्टिचेस से जो है सिंगल क्रोशिया निकाल लेना है और डिक्रीज़ करते वक्त आपने जस्ट, जब आप डिक्रीज में पहुंचेंगे आपकी 4 स्टिचेस आपकी कंप्लीट होगी, 4 लाइंस आपको दिखेंगी। उसके बाद आप जब आप डिक्रीज में पहुंचेंगे तो आपने एक एक स्टिच एंड से, जैसे हमने इंक्रीज़ की थी जितना, हमें इंक्रीज़ नहीं करनी, डिक्रीज में हमने छोड़ देनी है। लास्ट से एक स्टिच हमारी वो डिक्रीजमेंट हो जाएगी, जिस तरह 4 राउंड उसके कम्प्लीट करने हैं एंड देन इस तरीके से आपका जो है राउंड कम्प्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे मैंने किस तरीके से इसको किया है। यहाँ पे ज़रूर याद रखेंगा मैंने स्लिप नॉट्स, ये जो हमारे नॉट्स हो जाते हैं मोटे मोटे, हम जो है गिठाएँ बांधते हैं, तो किस तरीके से करेंगे, ठीक है। ये मैंने पहले यहाँ पे गिठा बांधी थी, अब हम इसको पहले थोड़ा सा बनाएंगे, उसके बाद हम इसकी गिठा को खोलकर एक नॉट डालेंगे और उसको इन्हीं धागों के अंदर से लेकर उसको अंदर की तरफ जो है हम निकाल लेंगे इसी क्रोशिया से। तो वो ज़रूर देख लेंगे। अगर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी लग रही हो तो उसको जल्दी से आप सेटिंग में जाके जो है स्लो कर सकते हैं इजीली। और इस तरीके से आपने नॉट्स को कंप्लीट करना है एंड देन आपने स्टिचेस करनी है सिंपल, जो मैंने आपको दिखाई सिखाई थी। सो इसको आपने अंदर से निकाल देना है इस तरीके से। धागा जो है नीट एंड क्लीन होना चाहिए आपका, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होना चाहिए। और बैक साइड से मेक श्योर निकला हुआ हो सारे धागे, ताकि बिल्कुल नीटनेस ही आए, ख़राब ना लगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने कर लेना है, कहीं से समझ ना आए तो आप जाके सेटिंग में जाके इसको स्लो भी कर सकते हैं। मेरे चैनल पे वीडियो भी मौजूद है फुल ट्यूटोरियल का, वो भी जाके आप देख सकते हैं। तो न्यू डिज़ाइन भी मैं बैग्स के बना रही हूँ, इंशाल्लाह वीडियो अपलोड होगी और डिटेल के साथ ही होगी, डोंट वरी। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें।
यहाँ पे जो है ये सारा मैंने कंप्लीट कर लूँगी, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसके एडजेस को किस तरीके से कवर किया है। सो यहाँ पे मैं इसकी फाइल्स बना लूँगी स्ट्रेट एंड देन डिक्रीज करके। लुक एट दिस, बिल्कुल सेम बन गया। अब मैंने जो है इसका लास्ट जो है हमने जो बॉर्डर्स बनाने हैं वो ज़रूर देख लें, बिल्कुल स्लिप जो है सिंगल क्रोशिया, हाफ सिंगल क्रोशिया जो करते हैं हम। यहाँ से आप देख सकते हैं मैंने सिंगल क्रोशिया जो है फुल सिंगल क्रोशिया आपने यहाँ से करना है ताकि इसकी जो एज हैं वो कर्व से बन जाएं, ठीक है। फर्स्ट हमने जो है स्लिप नॉट डाली, ठीक है, यानी हमने एक हाफ सिंगल क्रोशिया किया यहाँ तक इसके एज तक ताकि कर्व सा बन जाए। एंड देन सिंगल क्रोशिया हमने सारा सिंगल क्रोशिया करना है उस साइड के एंड तक। ऊपर वाले हिस्से को आपने जैसे छोड़ दिया क्योंकि वहाँ पर लगेगी जिप। सो इस तरीके से आपने इसको सारा कंप्लीट करना है और फिर मैं दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। करने के बाद आपने इस तरीके से इसके जो एजेस हैं उसमें से इस धागे को निकालना है ताकि इसको ज़्यादा क्लीन हो सके और ख़राब ना हो और खुले भी ना, ठीक है, बिल्कुल नीट क्लीन इसका बैक भी साइड हो और फ्रंट साइड भी हो। तो इस तरीके से बैक साइड से निकाल के जो इजाफी धागा होगा उसको काट लेना है और इस तरीके से आपने इसको बना लेना है। अब जो बाकी रह गया है वो मैं सारे स्प्लिट्स जो हैं ठीक कर रही हूँ काट के, वो देख लें किस तरीके से कर रही हूँ, बहुत ही इजी मेथड है। सो नाउ अब मैं जो है एक स्लिप नॉट लूँगी और इसके एज को किस तरीके से हमें जोड़ना है दोनों बॉर्डर्स को, तो वो ऊपर वाले हिस्से का भी ऊपर वाला साइड और नीचे वाले हिस्से का यानी सेकंड जो हमने लिया हुआ है उसका भी ऊपर वाला साइड ऊपर से लेना है, उसका नीचे से लेना है। इस तरीके से हमने इसके अंदर रेड वाली धागा घुसाना है और इसको पूरे में से निकाल लेना है, ठीक है। ये आपने एंड तक करना है और आप देख सकते हैं वीडियो को स्लो भी कर सकते हैं सेटिंग में जाके ईजिली। सो इस तरीके से आपने इसको करना है, धागे को बैक साइड पे कर देगा और फिर बैक साइड पे इसको क्लीन भी कर देंगे एंड पे ताकि वो नज़र ना आए। तो लुक एट दिस, यहाँ पे ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब मैं इसका ऊपर वाला हिस्सा बना रही हूँ जो कि ऊपर से नीचे से स्ट्रेट होगा और ऊपर से जाके इसको डिक्रीज करती जाऊँगी और वो थोड़ा सा समोसा टाइप बीच में से बन जाएगा। सो इस तरीके से मैं इसको ऊपर करूँगी एंड देन आप देख सकती हैं आपको जितना चाहिए हो बैक के हिसाब से, तो मैं अभी दिखाती हूँ किस तरीके का बनाया है।
साइड्स मैंने सारे कवर्स कर दिए हैं, इसके जो धागे निकल रहे थे वो मैंने अंदर की तरफ ले लिए हैं, ठीक है। और क्लीन करके अब लुक एट दिस, ये कुछ इस टाइप का बना है। ऊपर से इसको लगा देना है, धागे की मदद से आप इसको जोड़ेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप धागे की मदद से भी जोड़ सकते हैं और इसके ऊन की मदद से भी जोड़ सकते हैं इसको। और इसे जोड़ के आपने लगा लेना बटन, बटन के ऊपर भी हम लगाएंगे थोड़े से मोती वगैरह ताकि बहुत अच्छा सा डेकोरेट हो जाए। सो इस तरीके से आप इसके अंदर पैसे भी रख सकते हैं और थोड़े बहुत लिप ग्लॉस वगैरह भी, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं बच्चों की। और एज अ क्लच भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी साइड्स में लगा लूँगी थोड़े से चेन्स और फिर इसको थोड़ा सा डेकोरेट करके एंड पे आप इसको देखें किस तरीके का लुक दिखता है। वीडियो के शुरू में भी दिखाया हुआ है। तो मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ट्यूटोरियल अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर देगा। अल्लाह हाफिज़।